आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हैदराबाद को आज रूस से स्पुतनिक टीकों की बड़ी खेप पहुंची। GMR हैदराबाद एयर कार्गो ने आज स्पुतनिक वी टीकों की एक बड़ी खेप को हासिल किया। ये टीकों की खेप रूस से खसूसी तैयारे के जरिए यहाँ आज सुबह की अवनीन सातों में 3:43 पर पहुंची। आज के 56.6 टन टीके अब तक हिंदुस्तान को हासिल होने वाले सबसे ज़्यादा टीकों में शामिल है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 मिनट से कम वक्त में इन टीकों को हासिल किया गया और रवाना करने का अमल मुकम्मल किया गया। स्पुतनिक वी टीकों को खसूसी तौर पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में रखा गया है। वजीर बल्दी नज़्मोनक्श IT KT रामा राव ने ट्वीट करते हुए नंद किशोर से कहा कि मैं तो अवामी मुंतखबा नुमाइंदा हूँ, मेरा फ़र्ज़ काम करना है। सुपर हीरो तो फिल्मी अदाकार सोनू सूद हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर फलाही काम किया है और कर रहे हैं। नंद किशोर ने KT रामा राव को तेलंगाना का हीरो करार दिया था, जिसके जवाब में KT रामा राव ने यह ट्वीट किया। फिल्मी अदाकार सोनू सूद ने KT रामा राव से उन्हें सुपर हीरो करार देने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मुझे तेलंगाना से मोहब्बत है और मैं इस मोहब्बत में तेलंगाना की आवाम की खिदमत करता हूं। तेलंगाना के असली हीरो आप यानी KTR हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने नेचर क्यूर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए आयुष 64 सेमिनार को मुखातिब करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के ओहदे पर फायज होते ही यूनानी शोबे को फरोग देने के लिए इकदाम किए। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक और दीगर MIR मार्क की तैयार करदा दवाएं काबिल कबूल हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने आयुष की तैयार करदा दवाओं को मुतारफ करवाया। नेल्लूर ज़िले के कृष्णापट्टनम में कोरोना वायरस की कामयाब दवाई देने वाले बनी आनंदया को आँखों के ड्राफ्ट से हटकर दूसरी दवा देने की हुकूमत पहले ही इजाज़त दे चुकी है। हाईकोर्ट ने भी बनी आनंदया को आयुर्वेद दवा देने के लिए इजाज़त दी है। बनी आनंदया से आवाम से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दवा हासिल करें। उन्होंने कहा कि हम खुद दवा तैयार करते हुए सरबराह करने में मसरूफ़ हैं, कोई भी 4 या 5 दिन तक कृष्णापट्टनम ना आए, ज़रूरतमंदों को हम ज़रूर दवा देंगे, इमरजेंसी हो तो हम खुद घर तक दवा पहुंचाने के इंतजाम को खतियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा खासकर करोना मुस्बित अफराद कृष्णापट्टनम ना आए, आनंदया ने इसकी गुजारिश की है। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आज जगत्याल के मलियाला मंडल के नोक्कापल्ली में जेर तामीर डबल बेडरूम्स का मुआयना किया। कविता के साथ अरकान असेंबली डॉक्टर संजय कुमार, एस रविशंकर के अलावा जिला कलेक्टर रवि नायक, म्यूनसिपल चेयरमैन भोगा श्रवानी भी मुआयने में उनके साथ शरीक थे। कविता ने कहा कि जगत्याल को जिला बनाने के लिए के चंद्रशेखर राव एक अरसे से कोशिश करते रहे। जगत्याल में 4000 डबल बेडरूम्स के मकानात दिए गए हैं। गुरबा के ख्वाबों की ताबीर होनी हुई है। जगत्याल की फलाह बहबूद में उन्होंने कहा कि उनका मुकम्मल तावन रहेगा। हमने मेडिकल कॉलेज का जो वादा किया उसकी तकमील कर दी है। जगत्याल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से उन्होंने बात करने का वादा किया। అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కోరుకోవడం జరిగింది. దాంతో
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. జగిత్యాలలో అనేక మంది నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారు, వారికి ఆవాసం కల్పించాలని కోరిన వెంటనే మరి హైదరాబాద్ తర్వాత అతి పెద్దగా ఒకే ఒక్క చోట క్లస్టర్లో నిర్మాణం జరిగేటటువంటి స్థాయిలో 4,500 ఇళ్లను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు మంజూరు చేయడం జరిగింది. తర్వాత కంటిన్యూస్గా పని సాగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఊపందుకున్నది. వచ్చే 2022 జూన్ వరకు మరి ఈ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నది. గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇద్దరు కూడా నిరంతరం ఇక్కడ జరిగేటటువంటి పనులను పర్యవేక్షణ చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పనులు జరిగేటటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కూడా మరి త్వరితగతిన పూర్తి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా శాసనసభ్యులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒకటే మాట తెలియజేసుకోవాలి, రేపు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రతి పేదవాళ్ళు కనుకునిందాలి, వాళ్ళ సొంత ఇంటి కళ నెరవేరాలనేటటువంటి ఎజెండాతో తెచ్చుకున్నాం. ఈ ఏడేళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి, ఈ ఏడేళ్ళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతి విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉంది. మరొకసారి ఈ 7 వసంతాలు పూర్తి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కేసీఆర్ గారి ప్రధానమైనటువంటి కళ అయినటువంటి పేదవాడి ఇల్లుని మరి వాళ్ళ చూడడానికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. జగిత్యాల జిల్లా కావాలని तेलंगाना में आज से यानी मंगल से बैंक के काम के औकात में तब्दीली लाई गई है. हुकूमत ने 30 मई को रियासत में लॉकडाउन को मज़ीद 10 दिन के लिए बढ़ाने के अहकाम जारी किए थे, जिससे लॉकडाउन के दौरान नरमी के वक्फे में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र बैंकों के औकात कार में तब्दीलियाँ लाई गई हैं. फिलहाल लॉकडाउन के दौरान बैंक काम करने के औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दस्तियाब थे. तमाम हुकूमत के ताज़ा फैसले के बाद बैंक के काम के अवकात में तब्दीलियों के बारे में फैसला करने के लिए पीर को रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी का इजलास हुआ. रियासती सतह के बैंकर्स कमेटी ने बताया कि बैंक मंगल से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे. सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत के यौम तासीस के मौके पर सरकारी महकमे जात के 2,90,000 मखलुआ जायदादों पर तखरुरा अमल में लाने के लिए इलामिया जारी करने के इकदाम करें. उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें झूठा और धोखेबाज वज़ीर आला करार देते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव ने ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के मौके पर 50,000 जायदादों पर तखरुरात अमल में लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसको रुबा अमल नहीं लाया गया है. तेलंगाना भर में पासपोर्ट की खिदमत का दोबारा आगाज हो गया है. हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालय ने एक बयान में कहा है कि आज से तेलंगाना में पासपोर्ट खिदमत बहाल की जा रही हैं. हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट और टोली चौकी के अलावा निज़ाम पासपोर्ट सेवा केंद्र, करीमनगर का मरकज और सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में पब्लिक इंक्वायरी काउंटर, ब्रांच सेक्रेटरी का दफ्तर दोबारा शुरू हो रहा है. दफातर के अवकात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे. कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता का ने रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना की तीसरी लहर पर अभी से नज़र रखते हुए उसे रोकने के इकदाम करते हुए तेलंगाना के बच्चों की जानों की हिफाजत करें, क्योंकि हमारे बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं. उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की नाअहली की वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैली, जिस पर हुकूमत को लॉकडाउन नाफिज करना पड़ा, जिससे रियासत के गरीब अवाम मुश्किल से दो चार है. పది రోజులు 30 రోజులు లాక్డౌన్ వచ్చింది. పేదోని చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టలేదు. ఫస్ట్ వేవ్ కరోనాతో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలు లాక్డౌన్ మూలంగా నష్టపోయారు. సెకండ్ వేవ్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. థర్డ్ వేవ్లో పిల్లల ప్రాణాలకు ప్రమాదం అని తెలుస్తూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి కనీసం ఇంటింటికి తిరిగి టీకాలు వేసేటువంటి ప్రణాళిక లేకపోవడం బాధాకరం. దేశ భవిష్యత్తును కోల్పోవస్తుంది పిల్లలకు కనుక కరోనా వస్తే. ప్రభుత్వం స్పందించాలి, ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి. 10 రోజులు 30 రోజులు 30 రోజుల లాక్డౌన్ వచ్చింది. పేదోని చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా ముఖ్య
सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत के यौम तासीस के मौके पर रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर और दीगर अमले के मकलुआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का ऐलान करें और यूनिवर्सिटियों की तरक्की के लिए एक कमेटी तश्कील दें। प्रोफेसर कोदंडराम ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना की तश्कील के बावजूद यूनिवर्सिटियों की अबतर हालत हैं, इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। YS शर्मिला कल 2 जून को गजवेल असेंबली हलके का दौरा करेंगी। वो खुदकशी करने वाले बेरोजगार नौजवानों के खानदानों से मुलाकात करेंगी और उनको भरोसा देंगी। शर्मिला टैगोर कल सुबह गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद गजवेल के लिए रवाना होंगी। तेलंगाना में नई जमात कायम करने के लिए वो YS राजशेखर रेड्डी के हामियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही हैं। रियासती हुकूमत ने वरंगल सेंट्रल जेल की अराजी को महकमे सेहत के हवाले कर दिया। इस ताल्लुक से हुकूमत ने जीओ भी जारी कर चुकी है। जेल की अराजी MGM अस्पताल को दी जाएगी, जहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। आज से सेंट्रल जेल में मौजूद 960 कैदियों को रियासत के दीगर जेलों को मुंतकिल किया जा रहा है। वाज़ह रहे कि चीफ मिनिस्टर अपने दौरे वरंगल के वक्त सेंट्रल जेल का भी मुआयना किया था। उन्होंने इस जेल को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करते हुए इस अराजी पर सुपर स्पेशलिटी दवाखाना कायम करने का फैसला लिया था। लॉकडाउन के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गरीबों के साथ फिराक दिली का मुजाहरा किया है। हुकूमत ने जून में राशन कार्ड रखने वाले खानदानों के हर फर्द को 15 किलो मुफ्त चावल तकसीम करने का फैसला किया है। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि जून के राशन में मरकजी हुकूमत के शनाख्त करदा 53,56,000 कार्डों के लिए फराहम करदा 15 किलो के अलावा रियासती हुकूमत ने बगैर किसी पाबंदी के 33,86,000 कार्ड होल्डर्स को 15 किलो मुफ्त चावल फराहम करने का फैसला किया है। अंत्योदया कार्ड होल्डर्स को माहाना 35 किलोग्राम चावल फराहम किए जाएंगे। हुकूमत के फैसले से रियासत के 2,79,24,300 अफराद मुस्तफीद होंगे। अभी तक कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को नहीं दिया गया है। आइंदा हफ्ते से नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा और सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज़ होने का ख़तरा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत नीलोफर अस्पताल में 1,000 इजाफी बेड्स फराहम करने का मंसूबा रखती है, जिसके बारे में तिबी माहरीन ने इंतबाह दिया है कि वायरस बच्चों को मुतासर करेगा। नीलोफर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग इन्फोसिस बिल्डिंग जो उसके मुकाबिल है, इसमें और नैटको OP बिल्डिंग में RZ शीट्स लगाकर जायद बेड्स मुहैया कराने का फैसला किया गया है। कोरोना की पहली लहर में 800 बच्चे मुतासिर हुए थे और 2 का इंतकाल हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 300 बच्चे कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त नीलोफर अस्पताल में 1,000 बेड्स है और यहाँ पर रोज़ाना 1,200 बच्चों का बहैसियत इन पेशेंट इलाज किया जाता है और एक ही बिस्तर पर 2-2 बच्चों का भी इलाज किया जाता है। हैदराबाद के मसरूफ इलाकों में से एक वनस्थलीपुरम में आज पेश आए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार टिप्पर ने पल्सर गाड़ी पर जा रहे एक जोड़े को टक्कर दे दी, जिससे दोनों की जाए हादसा पर ही मौत हो गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक केस रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है।
ఇద్దరు చనిపోయారు ఓడిపోయాను సార్ సరే పడతలా डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में हाईकोर्ट को बताया कि अद्वियात की ब्लैक मार्केट करने वालों के खिलाफ 150 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 1 अप्रैल से 30 मई तक 7,49,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 4,18,000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 35,81,00,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इस तरह जिस्मानी फासला बरकरार ना रखने वाले 41,872 मामले दर्ज किए गए हैं। डीजीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे घूमने वालों के लिए 13,867 मुकदमा दर्ज किए गए और लॉकडाउन और कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने पर 2,61,000 मुकदमा दर्ज किए गए। इस तरह उन्होंने मजीद बताया कि लॉकडाउन के नफाजों और कवायद पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना के इलाज में जायद फीस वसूल करने वाले खानगी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत पर अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। कोविड प्रोटोकॉल की अदम तमील और कोरोना मुतासरीन से भारी रकमात वसूल करने की शिकायत पर हुकूमत फौरी कार्रवाई कर रही है। महकमे सेहत ने रियासत के 6 दीगर अस्पतालों में कोविड ट्रीटमेंट लाइसेंस मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। अब तक हुकूमत ने 16 अस्पतालों में कोविड के इलाज को मनसूख कर दिया है। ताज़ा तौर पर जिन अस्पतालों में कोविड ट्रीटमेंट को मनसूख कर दिया गया है उनमें पद्मजा हॉस्पिटल, KPHB कॉलोनिया मेडिचल, लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल, अलवाल मेडिकल हॉस्पिटल, मैक्स केयर हॉस्पिटल, हनमकुंडा, वरंगल अर्बन, TSX हॉस्पिटल, उपल मेडिचल, ललिता हॉस्पिटल, वरंगल अर्बन श्री साई राम हॉस्पिटल शामिल हैं। हिंदुस्तान में 54 दिन के अंदर योमिया सबसे कम यानी 1,27,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामलों में कमी का रुझान बरकरार है। हिंदुस्तान में जेर इलाज मरीजों की तादाद में मजीद कमी देखी गई है और यह तादाद 1,89,55,020 है। 43 दिन के बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 20,00,000 से कम रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जेर इलाज मरीजों की तादाद घटकर 1,30,572 हो गई है। मुल्क में अब तक सेहतमंद होने वालों की तादाद 2,59,47,629 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,55,287 मरीज शिफायाब हुए हैं। लगातार 19वें दिन भी यूमिया नए मामलों के मुकाबले शिफायाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि सेहतियाबी की शरह में इजाफा हो रहा है और आज ये शरह मजीद बेहतर होकर 92.09% हो गई है। सरदस्त हफ्तेवार जांच के बाद मुतासिर होने वाले अफराद की शरह 8.64% है। लगातार 8वें दिन योमिया जांच के बाद मुतासिर होने वालों की शरह 10% से कम होकर 6.62% हो गई है। जांच की सलाहियत में खातिरखा इजाफा हुआ और अब तक 34,67,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि टीकाकारी मुलगीर के तहत अब तक 21,06,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।